हेलो दोस्तों, जय गौ माता। आप सभी का हरिओम गिर गौशाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम उपलेटा की एक बेहतरीन गौशाला है वहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ के ओनर है मिलन भाई। कैसे हो मिलन भाई? बढ़िया मिलन भाई। आप ये गौ पालन का आपको जो लगा कि मैं गाय रखूँ, वो कैसे शौक जगा कि मैं गाय रखूँ, कि पहले से आप रखते हो? पहले मेरे घर पे दादा और रखते थे, वो देख के बाद में मैंने सोचा कि गाय रखनी है। बराबर। और आपको ये जो ब्लड लाइन का शौक जगा, वो शौक कहाँ से जगा कि मैं ब्लड लाइन वाली चीज यूज करूँ? ये सब मैं पहले से ही ब्लड लाइन वाली चीज यूज करता हूँ। पहले मेरे पास रडर नाम का बुल था। क्या बात है, वो बढ़िया पेडिग्री वाला था, वो यूज कर रहा था। बराबर। उसके बाद अभी बगलियों का जो बेटा है मेरे पास गजराज, हाँ हाँ वो है। बराबर। और कितने साल से अराउंड आप ग्यारह साल अभी आपके पास अराउंड कितना गोधन होगा? मेरे पास अभी तो ज्यादा था, पर मैंने बछड़ी थोड़ी 25-27 बछड़ी दे दी। नहीं, एवरेज आप के पास कितना कैपेबल है कि आप इतना रखोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? मेरे को अभी क्या है, थोड़ी लेबर की सभी दिक्कत है, इसलिए कम कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे पास गाय ज्यादा थी, 45-50 जितना था, छोटा बड़ा होके। और अब कम कर दिया। अब मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज आपके गाय में अराउंड कम से कम कितना मिल्क है, और ज्यादा से ज्यादा कितना है एक गाय का? मेरे पास 2-3 गाय ज्यादा दूध मिल्क वाली थी। नहीं, वैसे कम से कम में कम कितना? कम से 7-8 लीटर। और हाइस्ट कितना है मिल्क? हाइस्ट 11 लीटर एक टाइम का। टाइम मिल्क प्रोडक्शन में भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी गाय है। और यहाँ पे जो गजराज बुल बोल रहे हैं उनके भी काफी शानदार रिजल्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप हमें आपकी गायों के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा बुल है गजराज, जो बगलियों का बेटा है। हाँ हाँ, ये यहाँ पे ये एसजी का सिंबल है, तो उसका क्या मतलब है? सोमनाथ गौशाला है, वहां से मैं लेके आया हूँ। बराबर। और कुणाल भाई नाम है। हाँ हाँ, बरोबर। काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब बुल है दोस्तों। आप देखिए तो उसकी आईटेल्स देखिए, कलर पैटर्न देखिए तो काफ़ी यूनिक कलर। इसमें आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, रेड वाइट, काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब बुल है। तो मिलन भाई, ये बुल के मदर फादर कौन है, वो हमें बताइए। मदर है गोपी करके है, सीबीएफ राज की बेटी है। बराबर। और फादर है बगलियो, रूपा रूपा लाइन से आता है। बराबर। सागवाड़ी से है? सागवाड़ी से। हाँ हाँ, वो कपिल भाई का बुल है, अभी कपिल भाई के पास। बराबर। और सागवाड़ी लाइन का। हाँ हाँ, बाप। और ये बुल के सीमन अवेलेबल है क्या है हमें? हाँ, सीमन अवेलेबल है। हाँ, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। 9825635375। बराबर। अभी हम ये बुल का नाम क्या बोला आपने? वो गजराज नाम है। हाँ, बुल का। ये गजराज की एज कितनी हुई होगी? उसका 5.5 साल। और इनके रिजल्ट भी हो गया आपके पास? हाँ, रिजल्ट। तो वो भी हमें बता दीजिए। और आगे आपकी ये सब गाय है उसके बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये मुझे काफ़ी खूबसूरत ईफर्स लग रही है दोस्तों, देखिए काफ़ी बेहतरीन कलर पैटर्न है। ये कौन से बुल की है? ये मेरा साले का, वहाँ से लेके आया हूँ। हाँ हाँ, बराबर। उसके पास ब्लैक बुल और ब्लैक गाय है। हाँ हाँ, वहाँ से मैं बछड़ी लेके आया हूँ। बराबर। कितने साल की हुई होगी? ये पाड़िया लाइन की है, पुरानी। हाँ हाँ, नस्ल है उसके पास, उनकी बछड़ी। हाँ हाँ, ये कितने साल की हुई होगी? वो अभी 2-2.25 साल की हुई है। हाँ हाँ, और उसके आगे यहाँ पे ये गाय है, ये मेरी बहुत पुरानी गाय है। हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया बच्चा देती है। हाँ हाँ, कितना लैक्टेशन हुआ होगा इसका? उसका लैक्टेशन हुआ है 7। हाँ, और मिल्क प्रोडक्शन में कैसी है? मिल्क में अभी 6 लीटर, 6.5 लीटर दूध दे रही है। बराबर। और उसके आगे ये ईफर से, ये जो है वो मेरी गाय की बछड़ी है। हाँ हाँ, बराबर। जो मेरे पास अभी छोटी कुंडी है। हाँ हाँ, उनकी बेटी है। और ये एज में कितनी हुई होगी? वो 2 साल की हुई है। हाँ हाँ, और आगे है वो गाय, उनके बारे में हमें बताइए। वो जो है इसकी मदर ही दिखाता हूँ पहले। इनकी जो बछड़ी देखी ना अभी, इनकी मदर है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हाइट बॉडी में काफी हेवी गाय है। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक बुल है, पर है फिलहाल गाय है। आप उसकी सिंग पैटर्न भी देख सकते हो,
एकदम मुड़ी हुई कुंडीसिंग पैटर्न, काफी लाजवाब अंडर क्वालिटी। मिल्क प्रोडक्शन में कैसी है ये गाय? अभी 8.5 महीने की गाभिन है और दोनों टाइम 2-2 लीटर दूध निकलती है। अभी नहीं, जब वो बच्चा देती है तब कितना? तब उसका होता है 7-8 लीटर, 7.5 लीटर, 8 लीटर, 8.5 लीटर। मेरा मुझे क्या है, लंबा लैक्टेशन चाहिए। मैं ज्यादा दूध वाली पसंद नहीं करता हूँ बहुत, और मेरे को लंबा लैक्टेशन चाहिए। मैं दूध लास्ट तक 2-2.5 लीटर निकले ऐसी गाय। तो शुरुआत में 10 लीटर दे और 4 महीने बाद बंद कर दे, ऐसा नहीं है? मेरे पास सभी गाय ऐसी है जब मैं लास्ट लॉन्ग टाइम मिल्क प्रोडक्शन है, हाँ, निकाल सकूं दूध। और ये कौन सी है? ये जो है उनका बछड़ा है नीचे, और अभी 3 साल से उसको मिल्क में चालू ही है, छोड़ा नहीं है। और बछड़ा है अभी, छोड़ा है उसको दूध बराबर, और 3 लीटर दूध है और 6 महीने की गाभिन है। मिलन भाई आपकी हाइट कितनी होगी? आपकी हाइट मेरी 6 फुट। तो यहाँ पे दोस्तों आप अंदर लगा सकते हो कि मिलन भाई की हाइट है 6 फुट, और इसके हिसाब से आप उन सभी की गाय की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइट में कैसी गाय है सभी। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि सभी गाय आप देखिए, कोई आपको दुबली पतली नहीं दिखेगी, सब बॉडी में हेवी दिखेगी। तो आप उसको क्या खिलाते हो पूरे दिन में? पूरे दिन का डाइट बताइए कि सुबह क्या खिलाते हो, बाद में क्या खिलाते हो? सुबह मैं है ना सूखा चारा डालता हूँ मूंगफली का। मेरी 2 ही नींद होती है पूरे दिन में, 2 बार सुबह सूखा चारा और शाम को हरा चारा। और आप जो खान देते हैं उसमें फीड में क्या देते हो? उसमें सभी तरह का होता है, चूरी होती है बराबर, कपासिया होता है बराबर, वो सब होता है। वहाँ पे वो गाय है कोर है आगे काफी खूबसूरत, ये कौन सी है? उसका मदर का 11 लीटर दूध था टाइम का, कुंडी थी मेरे पास। और इनका कितना है मिल्क प्रोडक्शन? इनका अभी 7-8 लीटर। और लास्ट तक निकालती है दूध, इस बार छोड़ा है। और कितने लैक्टेशन की हुई होगी? ये तीसरा ब्याज जाएगी। काफी खूबसूरत और आगे है वो भी हमें बताइए। ये चौथा ब्याज जाएगी, 6 महीना गाभिन है अभी, 3-3.5 लीटर दूध, 4 लीटर दूध जितना है। यहाँ पे ये कौन सी है? ये है वो गोंडलिया की बेटी है। यहाँ पे दोस्तों देखिए तो ये जो आपने गोंडलिया का नाम सुना होगा, जो गरेड़ियों के नाम से भी जाना जाता था, ये उनकी बेटी है, काफी खूबसूरत। ये कितने लैक्टेशन की हुई होगी? ये 3 सब्जेक्ट आएगी। यहाँ पे आप उसकी सिंग पैटर्न से अंदाजा भी लगा सकते हो कि ये गोंडलिया बुल की ही है। और मिल्क प्रोडक्शन में कैसी है? मिल्क में बढ़िया है, 8-8.5 लीटर। वन टाइम बराबर। और उसके आगे ये कौन सी वाली है? यहाँ पे दोस्तों देखिए तो काफी यूनिक सिंग पैटर्न वाली गाय देखिए, एकदम यूनिक सिंग पैटर्न और ऑर्डर क्वालिटी भी आप देख सकते हो। ये कौन सी है मिलन भाई? ये मेरे पास गाय जो है वो 3 बेहतर से ऐसे ही दो रहा हूँ से, अभी उसका 3 लीटर दूध है और 10-12-15 दिन लेगी। और बच्चा देने के टाइम कितना होता है इसका? बच्चा देने के टाइम 8 लीटर, 8.5 लीटर वन टाइम बराबर। उसके आगे ये कौन सी है? ये जो है वो मेरे रडर बुल था, उनकी बेटी है बराबर, और पहला ब्याज भी आई है। 7.5 लीटर जितना दूध है वन टाइम, एक टाइम का 7.5 लीटर दूध है बारो और बारो। अभी चालू है और अभी 7.5-8 लीटर जितना जा बराबर। और उसके आगे ये काफी खूबसूरत है लीलड़ी, ये लीलड़ी कौन सी है? ये लीलड़ी है, ये कौन से बुल की है? इसका बाप था जो ढोलिनो बुल था, उनका बेटा था और गाय लीलड़ी थी, बच्चा लीलड़ा आया था। ये बुल की है और राजपुरा गांव है, दोस्त का वहां से मैं लेके आया हूँ। ये मिल्क प्रोडक्शन में कैसी? मिल्क में उसका अभी 7-7.5 लीटर दूध आ रहा है बराबर, लंबे इलेक्ट्रेशन पे जाके। और वहाँ सामने के साइड खूबसूरत बछड़े बछड़ी बंधे हुए, उसके बारे में हमें बताइए। ये लीलड़ी का ही बच्चा है। कौन सा वाला? ये लीलड़ा जो बछड़ा है। बराबर, उस साइड जाके ही हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों देखिए काफी खूबसूरत और लाजवाब बछड़े बछड़ी है, देखिए यहाँ पे काफी खूबसूरत बछड़ी है। मिलन भाई ये बछड़ा कौन सा है? ये जो लीलड़ी गाय आपने देखी उनका है। अभी ये कितनी एज में हुआ होगा? इसका 5 महीना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए तो 5 महीने में ये बछड़े की आप आई टेल्स देख सकते हो कि हमें लगेगा कि ये 1 से 1.5 साल का हुआ होगा।
तो आपने इसको क्या ऐसा खाना खिलाया पिलाया है कि? मिल्क, हाँ हाँ मिल्क सभी बछड़ा और बछड़ी को पूरा मिल्क देते हैं, तब तक वो जब बड़े और सही तरह से खाना नहीं सीख जाते थे। अभी आप उसको कितना मिल्क पिलाते हो? पूरे गाय जो जितना पीना है अपनी संतुष्टि से पिलाते हो, जो जितना पीना है उतना पिलाती है, बाद में छोड़ेंगे, बाद में दोएंगे, दूध निकाल बचेगा तो दोएंगे। हाँ, बचेगा तो दोएंगे। बराबर, तो मेन तो उसका बॉडी के लिए उसका मदर मिल्क ही है। हाँ, सबसे बढ़िया चीज उसकी माँ का दूध है। उसके आगे ये काबरा बछड़ा है, ये कौन सा है? एक साल का हुआ है। हाँ हाँ, और जो मैंने देखा अभी आपको बताया था, 3-3.5 लीटर दूध आ रही है और 3 ब्याच से 2 रहे, उनका है ये। बराबर, और ये दोनों बछड़े का फादर कौन है? फादर है गजराज। बराबर, तो आपने दोस्तों आगे गजराज देखा है, उनका आप रिजल्ट आपके सामने ही है, काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब। तो किसी भी गोपालक मित्र को गजराज का सीमन चाहिए तो आप मिलन भाई का संपर्क कर सकते हो। और उसके आगे ये काफी खूबसूरत बछड़ी है, ये कौन सी है? ये जो मैंने आपको दिखाई थी पुरानी गाय है मेरे पास। हाँ हाँ, उनकी बछड़ी है। बराबर बराबर है। ये कितने साल की हुई होगी? ये 1 साल की हुई है। 1 साल में दोस्तों आप उसका बॉडी ग्रोथ देख सकते हो, काफी लाजवाब है। और खास करके कलर पैटर्न देखिए तो काफी बेहतरीन कलर, काबरा कलर, जो कि ऐसी कलर पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलती है, वैसी कलर पैटर्न है। और उसके आगे ये बुल है, ये कौन सा है? ये है श्याम GLDB। हाँ हाँ, मेरे पास उनकी मदर थी। बराबर, जो ढोलेनो बुल है। हाँ हाँ, और भूतवल लाइन की मदर थी। बराबर, उसकी उसकी माँ भूतवल की थी। हाँ, और बाप था ढोलेनो। हाँ हाँ, उनकी बेटी मैंने ली थी। हाँ हाँ, और उसमें से पहले ब्याज में बछड़ा दिया, और पहले ब्याज में उसका 7.5-8 लीटर दूध था। हाँ हाँ, तो मैंने बाद में बछड़े को बुल बनाया। हाँ, बुल बनाने के लिए सिलेक्ट कर दिया था। उसका रिजल्ट है आपके पास? हाँ है मेरे पास। हाँ हाँ, कौन सी वाली है? अभी बछड़ा है 2। हाँ हाँ, तो सामने जो है। हाँ हाँ, और आप कुछ बोल रहे थे कि इसको आपको सेल करना है। हाँ, इसको सेल करना है। हाँ, किसी भाई को चाहिए, बराबर है, तो आप ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लाइन है दूध में। हाँ हाँ, और सभी तरह से है ना, बढ़िया है। बराबर, मेरे बछड़ी के लिए रखा था, मैंने अभी बछड़ी निकाल दी सब। हाँ हाँ, इसलिए सेल करना है, नहीं तो मेरे बछड़ी में ही क्रॉस होता था। हाँ हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को मिलन भाई की गौशाला कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कभी भी आप उपलेट आए तो मिलन भाई का संपर्क कर सकते हो, और यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब गौशाला लगी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय गौ माता, वंदे गौ माता।